प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 12 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके पैसे रुपए की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा। विदेश से या दूर से लाभ होगा। विदेश या घर से दूर स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल में आपको अपने पेट और अपनी आंखों की समस्या का ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना बहुत तार्किक नहीं है, बहुत सही नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है। तो क्या मूर्ति की पूजा करना सही नहीं है? देखिए, मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं और आरंभ में हमें कोई बेस चाहिए होता है, हमें कोई आधार चाहिए होता है जिस आधार के माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो आरंभ में मूर्ति पूजा करने में किसी तरह की समस्या नहीं है। शुरुआती पूजा के समय में आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं और मूर्ति पूजा से भी आगे जाकर व्यक्ति को ईश्वर की तरफ चलना चाहिए। शुरुआत में एकाग्रता के लिए मूर्ति पूजा जरूरी है, लेकिन एक समय के बाद उससे निकल करके आपको ईश्वर के सत्य स्वरूप की तरफ चलने का प्रयास करना होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, क्या करना चाहिए? मंगलवार को सुबह के समय स्नान करिए, एक लाल फूल खरीदिए, गुलाब का या गुड़हल का, इसको ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में, याद रखिए मंदिर में जाना होगा, मंदिर में जाइए जहां हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी के चरणों में लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद संपत्ति के शीघ्र बिक जाने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा आप हर मंगलवार को कर सकते हैं, लंबे समय तक करिए, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। याद रखिए ये प्रयोग मंदिर में जो मूर्ति है या जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर के करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी दवा आप खाते हैं, चाहे सर्दी जुखाम की दवा खा रहे हों, चाहे किसी बड़ी बीमारी की दवा खा रहे हों, दवा खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए, इसके बाद आप दवा खाइए। इससे दवा बेहतर काम करेगी और आप शीघ्र स्वस्थ होंगे। कारण उसका यह है कि भगवान शिव वैद्यनाथ हैं, डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं, इसीलिए उनका स्मरण करके जब आप दवाई खाते हैं तो दवा ज़्यादा बेहतर काम करती है, आपका मन मजबूत होता है और मजबूत मन की वजह से आप शीघ्र स्वस्थ होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।